हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन का एक नया ट्रिक। जैसे मैं बोल लेता हूं, मैं कार चला लेता हूं, रानी खाना बना लेती है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इस तरह के जो ट्रांसलेशन है, बोल लेता हूं, खा लेता हूं, सो लेता हूं, पीत लेता हूं, पढ़ा लेता हूं, गाना गा लेता हूं, नाच कर लेता हूं, इस तरह के जो ट्रांसलेशन होते हैं उसको हम कैसे बनाएं, ये नहीं आता है। तो हम आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे बहुत ईजी तरीके से। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसको हम बताते हैं, जैसे मैं बोल लेता हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैं बोल लेता हूँ इसके लिए हम यूज करेंगे ए वाला का यूज करेंगे। जैसे मैं बोल लेता हूँ यानी मैं बोलने योग्य हो गया हूँ, इसी को हम बताते हैं। जैसे मैं बोल लेता हूँ, चलिए बोल लेता हूँ को हटा देते हैं। मैं बोलता हूँ इसका क्या होगा, मैं बोलता हूँ तो आई स्पीक। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार से हमको वर्ब लगाना होता है। यहाँ पर ई जमार का प्रयोग करना है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जब सब्जेक्ट जो ही सीट और एक नाम होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। ही सीट और एक नाम हो तो इज का प्रयोग करेंगे, जब आई हो तो एम का प्रयोग करेंगे, और यू वी दे और मोर देन टू नेम हो तो हम वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, दो या दो से अधिक नाम हो तो आर का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, मैं बोल लेता हूँ इसे हम कैसे बनाएंगे। इसका होगा आई एम एबल टू स्पीक। क्लियर, आपको दिख रहा होगा फुल एचडी में मैं बोर्ड पर बनाना छोड़ दिया हूँ क्योंकि क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए लैपटॉप से बना रहा हूँ। आई एम एबल टू स्पीक। उसी के बाद है मैं कार चला लेता हूँ, इसका क्या होगा आई एम एबल टू सब में लगाना। आई एम एबल टू यानी कि वर्ब आएगा तो एबल के बाद टू लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं। आई एम एबल टू ड्राइव अ कार, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार फुल स्टॉप। क्लियर, देखिए कितना इजी है। अगर आपको इजी लग रहा है तो मेरे साथ बनाइए। रानी खाना बना लेती, इसका क्या बनेगा रानी इज एबल टू कुक। आप कुक पर भी लगा सकते, कुक फूड भी कर सकते, ठीक है। अब देखिए आपको इजी लगता होगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रानी अकेली नाम है इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। मैं जो है उसके साथ आम का प्रयोग होता है। रानी इज एबल टू कुक फूड, रानी खाना बना लेती है। आप गाना गा लेते, इसका क्या होगा तो यू आर एबल टू सिंग अ सॉन्ग, यू आर एबल टू सिंग अ सॉन्ग होगा। इसी तरह से एक और है, आप पढ़ लेते हैं, इसका आपको खुद बनाना है। वे लोग अंग्रेजी बोल लेते, आप पढ़ लेते, इसका क्या बनेगा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिएगा, व्हाट्सअप नंबर मैं दे दिया हूँ। वे लोग अंग्रेजी बोल लेते, इसका क्या बनेगा तो दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश फुल स्टॉप। अब देखिए दो हम छोड़ दिए हैं, आप पढ़ लेते हैं और हम लोग खाना बना लेते हैं। देखिए इसको आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अब बहुत बच्चे को सोचते हैं कि हम कमेंट करेंगे तो क्या होगा। देखिए लिख देने से जो याद होता है वो बोलने से याद नहीं होता है, आप लिख देंगे तो उस चीज़ जल्दी याद हो जाता है। आप वीडियो के नीचे लिख देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हमें भी मोटिवेट मिल जाती है थोड़ा मोड़ा कि चलिए बच्चे लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो पसंद आती है, उसे समझ में आती है और मुझे ऐसे लगने लगता है तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।